Redmi for wipe data setting। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Xiaomi के डिवाइस को वाइप आउट कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे करके पूरा अपने डिवाइस को वाइप कर सकते हैं, पूरा क्लीन कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको यही सेटिंग शो करके बताने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आपको पता नहीं है सेटिंग कहाँ पर है, किस तरीके से आपको करना है, तो पूरा वीडियो यहाँ पर देखें और जानिए किस तरीके से आप वाइप कर सकते हैं अपने पूरे डेटास को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अगर दोस्तों आपको वाइप्ड करना है अपने जो यहाँ पर डेटा से उनको, तो उसके लिए आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग को फॉलो करते हुए आपको आ जाना है, तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे एडिशनल सेटिंग पर आ जाना है, और उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा बैकअप एंड रीसेट। बैकअप एंड रीसेट पर जाके आपको नीचे आ जाना है और फैक्ट्री डेटा रीसेट मिलेगा। तो आपको नीचे में जो रीसेट फ़ोन दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, उसमें क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप रीसेट फ़ोन पर क्लिक करोगे, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, 3 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड, क्योंकि वहाँ पर आपको वेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा कंफर्म करने के लिए कि आप वाकई में अपना डेटा को वाइप आउट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस है, एक दो प्रोसेस फॉलो कर ले। मोबाइल पासवर्ड वगैरह भर के आप लास्ट में फॉर्मेट कर सकते हैं अपने फ़ोन को, और इस प्रकार से जो है आप डेटास को वाइप कर सकते हैं। तो सिंपली यही तरीका है और प्रोसेस भी यही है, तो इस तरीके से आप वाइप कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।